हेलो स्टूडेंट, क्लास टेंथ के चैप्टर सेकंड में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। अब अपनी क्लास बिना देर किए शुरू करते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण बाद, लेटर यानी कि बाद में, वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन अवे। अवे का मतलब होता है आदर भरे विस्मय से। एज ए स्पेक्टेकुलर भव्य, स्पेक्टेकुलर भव्य इसका मतलब होता है भव्य। एरे का मतलब होता है जो पंक्ति यानी कि लाइन में जो चलते हैं उन्हें एरे बोलते हैं। इस एरे में ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रॉप कैरियर्स रोडेड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। देखो बता रहे हैं कुछ क्षण पश्चात क्या होता है, हम सभी ने आके आदर भरे विस्मय से ऊपर उठाई और जैसे ही देखते हैं ऊपर आकाश में तो एक भव्य पंक्ति में या लाइन में दक्षिणी अफ्रीकी जो जेट विमान है, हेलीकॉप्टर है, सेना को ढोने वाले जो वाहन हैं। देखो ट्रूप कैरियर्स का मतलब होता है सेना को ले जाने वाले जो वायुयान होते हैं उन्हें ट्रूप कैरियर्स बोला जाता है। उन्होंने उनसे फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स ये बताते हैं हवाई जहाजों ने यूनियन बिल्डिंग्स को ऊपर पूर्णतः सटीक एक संरचना में गरजना की, यानी कि वो उड़ने लगे सेना के वाहन, अफ्रीकी जेट विमान, हेलीकॉप्टर आदि। अब आगे क्या होता है, इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। इलेक्टेड का मतलब होता है चुना गया। अब देखो क्या होता है, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। ये केवल सटीक क्या है, परिशुद्धता व सैन्य बल का ही एक प्रदर्शन नहीं था अपितु लोकतंत्र के प्रति एक नई सरकार है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी, उसके प्रति सेना का जो कार्यनिष्ठा का जो प्रदर्शन था वो यही था, यानी कि सेना उस समय प्रदर्शन कर रही थी। आपने देखा होगा 15 अगस्त से 26 जनवरी हमारे स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस पर जो नई दिल्ली में आयोजन होते हैं उसमें सेना अपना प्रदर्शन दिखाती है। सेम उसी प्रकार वहाँ पर ये सब कुछ चल रहा था उस आज़ादी के दिन। आपको यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट मीनिंग्स मैं बता देता हूँ इनका अर्थ है। देखो डेमोन्स्ट्रेशन का अर्थ होता है, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन। प्रिसीजन का अर्थ होता है, प्रिसीजन का अर्थ होता है परिशुद्धता। ये जो मीनिंग है प्रिसीजन इसका मतलब परिशुद्धता होता है। मिलिट्री का अर्थ आप सभी जानते हैं, फोर्स का मतलब सेना। अब देखो मिलिट्री लॉयल्टी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी मतलब नव लोकतंत्र, न्यू गवर्नमेंट का मतलब होता है नई सरकार। तो यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो प्रदर्शन था ये कोई सैन्य प्रदर्शन ही नहीं लेकिन अपितु ये लोकतंत्र के प्रति एक नई सरकार जो बनी गई है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनी गई जो सरकार है उसके प्रति भी सेना का निष्ठा का प्रदर्शन था। आगे बढ़ते हैं। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बेडेड विद रिबन्स एंड मेडल फ्रॉम डेज गोन बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी। अब यहाँ ये बताते हैं कि कुछ क्षण पूर्व, कुछ मोमेंट्स पहले ही दक्षिणी अफ्रीका के रक्षा बल जो हैं, रक्षा बल कह सकते हैं, डिफेंस फोर्स का मतलब होता है अफ्रीकी के, डिफेंस मतलब रक्षा और फोर्स का मतलब बल, जो रक्षा बल है, रक्षा बल के जो पुलिस है, पुलिस के जो उच्चतम यानी कि हाईएस्ट जनरल का मतलब होता है, हाईएस्ट जनरल का मतलब होता है उच्चतम जो उनके जनरल है उनके द्वारा जो उनके बीते दिनों से बीतों और वह जो पदकों से वो सज्जित थे, पदक जो पुरस्कार होते थे उनसे वो सज्जित थे, उन्होंने क्या किया, सैल्यूटेड मी मुझे सैल्यूट किया या मुझे सम्मान दिया एंड प्लेज और प्रतिज्ञा की, क्या प्रतिज्ञा की और शपथ ली, प्लेज मतलब शपथ लेना, प्रतिज्ञा लेना, देयर लॉयल्टी और उन्होंने निष्ठा की, लॉयल्टी यानी कि निष्ठा की उन्होंने शपथ ली। आई वॉज नॉट अन
and mindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. अब देखो वो बताते हैं, नेल्सन मंडेला बता रहे हैं, मैं इस तथ्य से बिल्कुल अवगत नहीं था कि ये बहुत सालों पहले ये बात नहीं थी कि वो लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, वो सैल्यूट नहीं करते थे, मुझे क्या नहीं करते थे, सैल्यूट नहीं करते थे, बट लेकिन अरेस्टेड मी, वो क्या करते थे, गिरफ्तार करते थे मुझे. फाइनली अंत में चारों ऑफ एम्पला जेट लेफ्ट अ स्मूथ ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग मतलब न्यू साउथ, नई साउथ अफ्रीका का झंडा. अब ये बताते हैं कि अंत में फाइनली जो इम्पाला जेट विमानों का को दक्षिणी अफ्रीका के नए झंडे से के काले लाल हरे नीले और सुनहरे रंगों की धुआं के रेखांकित रेखाचिन्ह भी आकृति में छोड़े गए. जब आपने देखा होगा कई बार जब सेना अपना प्रदर्शन दिखाती है, फोर्स अपना प्रदर्शन दिखाती है, तो जो हवाई जहाज द्वारा जो धुआं छोड़ा जाता है कभी कलर में छोड़ा जाता है, कभी अपने जैसे भारत में भारत के झंडे जैसा कलर छोड़ा जाता है, सेम वहाँ पर ऐसा चल रहा था. आगे बढ़ते हैं, ये बता रहे हैं आगे, द डे वाज सिम्बोलाइज्ड, ये जो दिन था, द डे वाज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स. नेशनल एंथम का मतलब होता है राष्ट्रगान, एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग. अब देखो क्या होता है आगे, ये बता रहे हैं कि हमारे दो राष्ट्रगान गाए जाने के कारण यह दिन हमारे लिए क्या बन गया था, प्रतीक बन गया था. सिंबलाइज, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक, उस दिन प्रतीक बन गया था. और गोरों को नक्सी, देखो आगे बढ़ते हैं, गोरों नक्सी सिकेल, देखो सिकेलल ईद अफ्रीका, सिकेलल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक. रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र या गणराज्य. अब यू नक्सी सिकेलल ई अफ्रीका गाते हुए, ये गाते हुए देखने से वह कालों को गणराज्य का पुराना राष्ट्रगान डाई स्टेम जो गाते हुए देखने से अच्छा लगा. देखो ऑल दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथम दे वंस बेस्ट एज दे वुड सून नो द वर्ल्ड बाई हार्ट. अब यदि भी क्या होता है, देखो उस समय उस दिन कोई सा भी समूह उस राष्ट्रगान के शब्दों को नहीं जानता था जिससे वे कभी घृणा करते थे, वे शीघ्र ही इसके शब्दों को हृदय संगम कर लेंगे. भाई जिस चीज़ से वहाँ पर पहले घृणा होती थी उस चीज़ को वो हृदय में समाहित कर लेंगे, कहना चाहते हैं. आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें हमने कुछ इम्पाला जेट्स का मतलब होता है इम्पाला कंपनी के जेट विमान, और स्मोक ट्रेल का मतलब होता है धुएं से की धुएं के चिन्ह की रेखा. मैं वापस अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखना. सिम्बोलाइज का मतलब होता है प्रतीक, स्मोक ट्रेल का मतलब मैंने अभी बताया आपको, स्मोक ट्रेल का मतलब होता है धुएं से जो चिन्हित की जाती है वो रेखा. लिरिक का मतलब आप जानते हैं गीत होता है, ऐसा ही. आगे बढ़ते हैं, ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन, उस उद्घाटन वाले दिन आई वाज ओवर हैम विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री. उस दिन क्या होता है, उद्घाटन वाले दिन में इतिहास की समझ से अभिभूत था. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी अ फ्यू ईयर्स लेटर द बिटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माइट ऑन बर द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैट अप देयर डिफरेंस एंड इलेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेसियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ऑन लैंड. मैं आपको पूरी चीज़ समझाता हूँ, अच्छे से इसको समझना. देखो ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन, उद्घाटन वाले दिन क्या होता है, आई वाज ओवर हैम विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास की समझ से क्या था, अभिभूत था.
विद हिस्ट्री इतिहास की समझ से अभिभूत था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी जो 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में या प्रथम फर्स्ट दशक में क्या होता है, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार एंड बिफोर माई ऑन बर्थ। भयानक एंग्लो जो बोर है वो वॉर का मतलब होता है युद्ध, युद्ध के कुछ वर्षों बाद और मैंने अपने जन्म से पहले दक्षिणी अफ्रीका की गोरी चमड़ी के लोगों ने अपने आपसी मतभेद दूर करने के लिए अपनी ही भूमि पर काली चमड़ी के लोगों के विरुद्ध क्या किया, प्रजातीय प्रभुत्व की एक व्यवस्था निर्मित कर ली कि भाई काले लोगों को सरकार नहीं बनने देंगे, इस प्रकार से उनकी ही जमीन पर काले लोगों को यह अधिकार नहीं था, ये बात कहना चाहते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है अलग अलग। आगे बढ़ते हैं, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इन ह्यूमन सोसाइटी इज द वर्ड हैज एवर नाउन। अब देखो नॉन, अब क्या होता है वहाँ जो ढांचा उन्होंने सज्जित किया वो एक सर्वाधिक क्या है, सबसे ज़्यादा कठोर और अमानवीय जो समाज है, मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी, जो अमानवीय जो समाज है उसमें से एक का निरूपण कर दिया जो संसार में कभी नहीं जाना था। अब क्या होता है नाउ, अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब वहाँ पर 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और मानव के रूप में मेरे 8वीं दशक में ये व्यवस्था हमेशा के लिए क्या हो गई थी, उलट दी गई थी। एंड माई ऑन एट डिकेड एज अ मैन दैट सिस्टम हैड बीन। अब ये बताते हैं कि वहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था से प्रतिस्थापित कर दी गई जो सभी लोगों के अधिकारों की और स्वतंत्रताओं को उनकी चमड़ी के रंग को ध्यान में रखते हुए बगैर मान्यता देती थी। आगे बढ़ते हैं, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर रिप्लेस्ड बाई दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। यानी कि मैं एक बार और समझा दूँ कि ऐसी व्यवस्था को वहाँ पर प्रतिस्थापित कर दी गई थी जो सभी लोगों के अधिकारों व स्वतंत्रता को उनकी चमड़ी के रंग को ध्यान में रखे बगैर मान्यता देती थी। ऐसा नहीं सोचा था वहाँ पर क्या होता था कि ये काला आदमी है तो इसको सरकार नहीं बनने देंगे, काले आदमी को वहाँ पर कुछ भी इजाज़त नहीं मिलती थी। एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, दैट दे हैड कम अबाउट थ्रू द इमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल हुड सफरिंग एंड कवरेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। अब देखो ये कह रहे हैं दैट दे हैड कम अबाउट थ्रू, अब ये बताते हैं कि उस दिन हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान द्वारा ये जो समय आया था, ये जो दिन आया था उनके हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान द्वारा आया था, जो लोग देखो माई पीपल हु सफरिंग एंड कवरेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। भाई ऐसे लोग जिनके दुख उनके साहस को कभी न तो गिना जा सकता है, न तो काउंट किया जा सकता है और नहीं रिपेड किया जा सकता है, न तो भुगतान किया जा सकता है, नहीं उसको गिना जा सकता है। सेक्रीफाइसेस का मतलब होता है बच्चों बलिदान। आगे बढ़ते हैं, आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट। पेट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। ऐसे कई सारे बेचारे जो अफ्रीकन राष्ट्रभक्त जो थे उनका मैं साधारण कुल योग हूँ, जो मुझसे पहले ही क्या हो चुके थे, वो बलिदान दे चुके थे, यानी कि वो बलिदान दे चुके थे। आगे बढ़ते हैं, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगन अगेन विद मी। फिर क्या होता है आगे ये बताते हैं, ये वह जो लंबी और उच्च रेखा समाप्त हो गई थी अब पुनः क्या है मुझसे आरंभ हो गई थी, और वो जो पुरानी रेखा चली आ रही थी वो परंपरा बनी हुई थी वहाँ पर काले लोग गोरे लोगों की, वो क्या हो चुकी थी, वो ख़त्म हो चुकी थी और अब यहाँ जो शुरुआत हो चुकी थी वो किससे हो चुकी थी, बिगेन अगेन विद मी, मेरे से शुरुआत हो चुकी थी। आई वॉज पेन
that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices and hard route. अब देखो इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब होता है गड़ा जाने वाला, रॉड का मतलब गड़ा जाने वाला, सेक्रीफाइसेस का मतलब बलिदान हो अर्थ होता है। अब ये बता रहे हैं आगे कि मुझे पीड़ा हुई, मुझे वेदना हुई, मुझे दुख हुआ था कि मैं उनका धन्यवाद करने योग्य बिल्कुल नहीं था और यह कि वह यह देखने के लिए योग्य नहीं थे उनके बलिदानों ने क्या गड़ा होगा क्या बनाया होगा। रॉड का मतलब होता है क्या गड़ा होगा या बनाया होगा, उन्होंने क्या बनाया होगा, ये बात ये नेल्सन मंडेला बताते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इस लेसन को अच्छी तरह समझिए। मैंने कुछ कुछ जो हार्ड मीनिंग है उनका भी आप साथ में बताया है, तो आप ज़रूर इसे पढ़ें समझें, कुछ डाउट्स हैं तो ज़रूर मुझे शेयर करें।